वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अभी अभी हम अपनी जस्ट वीडियो देख रहे थे, तो अभी आप देख रहे होगे तो ये पुरानी हो गई होगी, अभी तो ये नई आई है, तो हम देख रहे हैं। और आज हमारा सैटरडे प्लान बना है कि हम मनाएंगे आज एग करी, तो दिखाते हैं एग करी कैसे बनती है। तो हमने यहाँ पे कुछ अंडे, 3 अंडे आराम से छीन लिए थे पहले, और यहाँ पे हमें इतने सारे और छीन लिए, चलो छीलते हैं इनको भी। अरे मैंने खराब नहीं किया, मैंने गोल गोल घुमाया, इसको वैसे डाल देना, ग्रेवी में गाढ़ा हो जाएगा। हिंदे मेरे से नहीं छिले यार, मैंने गलती से। दोस्तों योगी ने अंडा खराब कर चुका है, ये ऐसे खा लेंगे ना नमक डाल के, नहीं इसको ग्रेवी में डाल देंगे ना ये वैसा हो जाएगा, ग्रेवी को थिक कर देगा इसलिए। अच्छा, और ये छिले गया, ये एक्सपर्ट है ना, ये हमेशा अंडे खाते बरेली में, हमेशा जब भी दोस्तों के साथ जाते कुछ ना कुछ तो खा के आते ही है। सो गाइस देखो कितना क्यूट लग रहा है इसके, येलो येलो ऐसा लग रहा है कि वो चीज वाला आती है ना, तो कान में वही लग रही है। ये देसी अंडा है, देसी अंडा है, ए देसी विदेशी, देसी अंडों का स्वैग और विदेशी अंडों का स्वैग दोनों अलग अलग है। और ये हाँ, और ये देखो ये आ गए हमारे ये शो स्टॉपर कैसे हो, मानना नहीं है। हाँ मानना नहीं, प्लीज ठीक है ठीक है, गंदा कर रहा जी तो मेरे को डब, ये देखना क्या मान रहा है, बोल रहा है अरे नहीं, अरे अरे सारे अड्डे छिल चुके हैं, बस कुछ को छोड़ के, कितने अड्डे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंडे थे। सो गाइस पापा अभी अंडों के अंदर छेद कर रहे, क्यों कर रहे हो छेद? छेद इसलिए कर रहे हैं जब फ्राई करेंगे ना तो फटेंगे नहीं। अच्छा, इसके अंदर तक तेल होगा ना, मसाला सारा चला जाएगा। अच्छा, तो अंदर तक वो ग्रेवी वगैरह सही से चमक आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारी एग करी में डालेंगे, जैसे प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, और ये आपको ये इन सबको सही से चॉप कर देंगे, तब तक अपन ये अंडों को इसके अंदर फ्राई कर देंगे। सो गाइस इसके अंदर अंडे डाल चुके हैं, देखिए कैसे कीटे मार रहे हैं। तो गाइस इसमें हमने तेल डाल लिया गर्म होने के लिए, इसके बाद इसके अंदर अंडे डल जाएंगे ना। हाँ इसके अंदर अंडे पड़ेंगे। पे हमारे अंडे हो चुके हैं फ्राई, अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, तेजपत्ता के पत्ते, और फिर अब करेंगे प्याज को हम इसमें फ्राई, जो हमने चॉप किया था चॉपिंग मशीन से। तो अब हमें इस प्याज को थोड़ा सुनहरा होने तक भूनना है, पूरा अभी नहीं भूनेंगे क्योंकि इसमें हम टमाटर भी भूनेंगे, अगर पूरा अभी भून देंगे तो जब टमाटर डालेंगे तो वो प्याज जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कच्चा रहने दें, टमाटर डालें तो उसके साथ ही प्याज भूनिएगा। तो अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है, और थोड़ी सी और डालेंगे हल्दी, मसाले अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसी क्वांटिटी है उस हिसाब से। और ये चिकन मसाला, और ये थोड़ा सा नमक, ये भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं।
हम इसमें डालेंगे चॉप करे हुए टमाटर की ग्रेवी जो हमने बनाई थी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने पहले नमक भी डाल दिया था, तो आप सारा नमक एक ही बार में डाल दो ताकि ये टमाटर सही से गल जाए। तो हमारी ग्रेवी अभी तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं इसमें साइड से हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। तो अब हम इसमें अंडे डाल देंगे और इसको थोड़ा अंडों के साथ भी भूजेंगे, जिससे अंडों के अंदर तक ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। अब थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे अंडों को ग्रेवी के साथ, फिर इसमें बाद में पानी ऐड करेंगे। इसमें स्मेल तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये ग्रेवी के साथ अंडे पक जाए सही से, और जो प्याज और टमाटर है ना वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा जब हम इसको ये पानी के साथ उबालेंगे ना, इसको ग्रेवी को बॉयल करेंगे तब, और अंडों के अंदर तक ग्रेवी का फ्लेवर आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी ये करी टेस्ट करी, ये थोड़ी मीठी लग रही थी, तो पापा ने इसमें कुछ ऐसी हरी मिर्च काट के डाल दिए दो, थोड़ा तीखापन आ जाए। सो गाइस, अंडे बन रहे, तब तक अक्कू ये रहे महादेव बता के एक मूवी लगा रहे, जो हम अभी महादेव से पहले देख रहे थे। तो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। मैंने ले लिया है, बहुत अच्छा है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।